सृष्टि में जो श्रुति का आपको कथन किया गया है
उस सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, उसका तात्पर्य जो अंदर देखेंगे उसके तात्पर्य सृष्टिकर्ता को बोध कारण में है। उपाधि के कारण हम सृष्टिकर्ता बोल रहे हैं, वस्तु बिना सृष्टि है ना सृष्टि की कर्तित्व है, व्यक्ति के ऊपर सर्व कौन सृष्टि करता है, हमारी मन ही कल्पना करते हैं ना, इसी प्रकार तथेव प्रकृति या पृथ्वी किसी प्रकार से जिसको लेकर के विचार किया जाए सृष्टि वास्तव में प्रकृति आपकी सृष्टि आदि श्रुति प्रकृति जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है मतलब सृष्टि स्थिति लय आदि जो श्रुति हमको मिलते श्रुति वास्तव से मिलता है साथ तात्पर्य अभाव मतलब जिस बातों की शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है उसको बोलते हैं स्व अर्थ, जो स्व अर्थ में जिसके तात्पर्य के अभाव होने के कारण तत्कार्य तद व्यतिरेकेन अभावात् मृत्तिका के कार्य और मृत्तिका को छोड़ करके कभी नहीं रह सकते हैं, तत्कार्य तद व्यतिरेकेन अभावात् जिससे जो चीज बना है वो चीज उसको छोड़ करके कभी नहीं रह सकता, ये सामान्य नहीं है। तत्कार्य तद व्यतिरेकेन अभावात् मतलब जो जिसका कार्य है उसका कारण से छोड़ कर तो नहीं रह सकता अभाव होने के कारण तदेव अस्ति, इसलिए वो कारण ही एकमात्र पारमार्थिक सत्य वस्तु है, तदेव अस्ति मतलब कारण मृत्यु का ही देव सत्य इस प्रकार तदेव अस्ति इति अद्वैत बुद्धि अवतार उपाय तेने इस प्रकार से अद्वैत भेद रहित्व में बुद्धि को अवतरण कराने के लिए बुद्धि में बैठाने के लिए श्रुति इस प्रकार सृष्टि आदि जो सृष्टि आदि प्रक्रिया को यहाँ पे कल्पना किया गया है तदेव अस्ति, इसलिए बोलते हैं कि साध्य प्रमाण अभाव तत्कार्य तद व्यतिरेकेन अभाव ये नए है, ठीक है, जो जिससे बनता है तो उसका कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं रह सकता, तत्कार्य तद व्यतिरेकेन अभाव सामान्य नए के आधार पर के तब क्या हो जाएगा, जो भी कुछ कार्य दिखाई पड़ता हो कारण मात्र ही है तदेव अस्ति कारण मात्र ही सत्य है, क्योंकि अद्वैत बुद्धि अवतार उपाय जितना भी सोने के बने हुए गहना है उसमें सोना ही सत्य है, व्यक्ति का के बने हुए अथवा तामा के बने हुए जितने बर्तन उसमें तामा ही सत्य है, बर्तन तो बिगड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं प्रस्थिति अद्वैत बुद्धि अवतार उपाय प्रकार अद्वैत बुद्धि को मन में बैठाने की उपाय के रूप में सृष्टि आदि प्रक्रिया कल्पिता सृष्टि स्थिति लय की जो प्रक्रिया में हमें दिखाई गया वो कल्पना की गई है अध्यारोप की गई है, उनको उसका अपने श्रुति निषेध करते हैं अपवाद कर देती है, तो पूर्ववादी बोल रहे अरे ठीक से बोला करो भाई, वहाँ पे देवता लोगों ने लड़ाई किया तो देवता चेतन होते हैं तो लड़ाई भी कर सकते चेतन भी कर सकते, इसलिए बोलते हैं देवता शब्द प्रयोग चेतनत्म बागादीना विधि मुखातत्म संवाद आदि श्रवणस्य, वहाँ पे देवता सब देव तीन नंबर टिप्पणी में दे रहे देवता शब्द की तथा ही ऐतरीय उपनिषद युद्ध उपनिषद का एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्कर्णवेता पतन्ति तत् प्रयोग, वहाँ पे जिनको जिसको बनाया था उसको देवता शब्द के द्वारा कहा गया है, अग्नि देवता पृथ्वी देवता वायु देवता जल हमारे अंदर तो हमारे यही है हमारे शब्द के अंदर एक देवता भी है आदिदेवी भी है आदिभौतिक भी अध्यात्म भी है, इसीलिए का एता देवता वही ये देवता सृष्टा उसको देवताओं को उनकी देवताओं को बना करके सृष्टा अस्मिन् महत्कर्ण में जो उत्पत्त है इस महान संसार सागर में प्राप्त देवता लोग तब जाके बोलते हैं भूख लगा मेरे को प्यास लगा मेरे लिए खाना लाओ मेरे लिए प्यास लाओ, ऐसा करके अल्लाह करने लगे तो भगवान फिर भी एक पिंड लाया भी पिंड लाया खाने वाले पिंड को देख करके सभी एक साथ दौड़ पड़े आम देवता कान देवता अग्नि देवता पिंड धान की देवता अभी कोई पकड़ नहीं पाया उसको, जैसे कोई चूहा को देख देखता है बिल्ली को चूहा अगर बिल्ली को देखता है तो चूहा क्या करता है और भागने का कोशिश करता है, कि किसी प्रकार वो अन्न बिंदु भी है जैसे ही देखे सारे मेरे को खाने के लिए आ रहे हैं वो भागने की कोशिश की, इन लोगों ने पकड़ने का कोशिश किया कोई नहीं पकड़ता है, फिर अपान वायु के द्वारा उसको ग्रहण होता है अपान मेरे पता इस प्रकार कथा आती है वहाँ पे, वहाँ पे देवता शब्द प्रयोग किया गया देवता शब्द प्रयोग बोलते ऐतरीय उपनिषद एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्कर्ण में प्राप्त प्रयोग ये जो है एक एक करके अग्नि वायु आकाश पृथ्वी ये शब्द बनाया है इस इसको बना करके उसके अंदर देवता का इस महान संसार सागर में भी बना तथा बृहदारण्य के एवं खलु एता देवता पापमा भी उपस्थित
एवं इन्ना पापमना अभिधन किसी बाकार शुद्ध देवता शब्द प्रयोग कस्मात् इति रक्त वो ना तो यहाँ पे उनकी विद आया हुआ है एक एक देवता क्या किया उनको सभी देवता मिलकर पूरा जाप किया था असुर को मारने के लिए बोला सोम जाप किया तो हमको विवाद करना पड़ेगा तो सभी देवता पहले भागेंद्र को बोला तू हमारे लिए उद्गान कर दे कैसे भागेंद्र ने उद्गान किया पर उसने अच्छा अंश को अपने पास रखा ऐसे वो बारह मंत्र है उद्गान करने के लिए तो बारह मंत्र है नौ मंत्र जो है वो अपने लिए रख दिया था मतलब जन्मान के लिए तो आपने ये रखा मतलब क्या उस मौके पे उनको सार्थक न सुनने के कारण असुरी पाप उसको व्यतीत करता है इसलिए अगर होता है तथा बृहन एवं ऊ खलु एता देवता इस प्रकार से निश्चित वो सारे देवता पाप में भी उनका सृजन को पाप के द्वारा मतलब जुड़ गया पाप के साथ जुड़ गया एवं एना पापमाना अभिधन इस प्रकार से जो अशुद्ध पाप के लोगों को व्यतीत कर दिया अशुद्धि से व्यतीत कर दिया तो क्या हो गया वो अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है अच्छा भी सुनता है दुर्गंध भी सुनता है इस प्रकार से ये अशुद्ध पाप व्यतीत का फल हो गया यहाँ पे कहने का यहाँ पे इनको देवता शब्द के द्वारा कहा गया है इसी लोग उतना क्यों नहीं कर सकता वो कर सकता ये भी कहना देवता शब्द प्रयोगात देवता शब्द प्रयोगात चेतनात्म देवता शब्द वहाँ पे प्रयोग करने के कारण वो सारा चेतन है बागादीना बागादी इंद्रियों के अंदर देवता भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्य तत्व संवाद आदि श्रवणा सृष्टि है संवाद जो हमें सुनाई दिया वो मुख्य अर्थ है गौण अर्थ नहीं है उसका ऐसा करके पूर्व वाली बोलते हैं अत असिद्ध उदाहरण इसलिए वो जो जगत की सृष्टि में तात्पर्य नहीं जाए इसको समझाने के लिए आपने क्या दृष्टांत दिया था प्राण संवाद का अपने दृष्टांत बोल दिया था आपका दृष्टांत सिद्ध नहीं होता दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता दृष्टान्त कैसे सिद्ध करोगे और मान के द्वारा आपका पक्ष सात्व कैसे सिद्ध करोगे इसलिए बोलते हैं अतः असिद्ध उदाहरण इसलिए आपका जो उदाहरण दिया क्या उदाहरण दिया था प्राण संवाद को इसको समझाने के लिए दिया था सृष्टि आदि श्रुति में तात्पर्य नहीं है इसको समझाने के लिए इसलिए आपका ये उदाहरण आपका सही नहीं था तो असिद्ध उदाहरण इसको मन में रखते हुए तदप असिद्ध चार नंबर टिप्पणी में देखिए अन्न शिष्यत्व अभाव ये किसी का अंग नहीं है स्वतंत्र अन्न शिष्यत्व दूसरे का अंग मतलब अंग है ना अंगी का अंग जिस प्रकार दर्श पूर्णिमा जात हो गया अंगी अनुजात प्रयात हो गया अंग उसका अलग कोई फल पसंद नहीं किया उचित फल होता इसी प्रकार से जो प्राण संवाद आदि यहाँ पे आया हुआ है वो प्राण की शिष्यता के अंग रूप में नहीं है वो अपने आप में उसको प्रतिपादन करना जो शब्द वहाँ पे कहा गया उसका शब्द अर्थ है वही वो प्रतिपाद्य विषय उसका वही प्रतिपाद्य विषय है इसलिए हमें बोलते हैं अन्न शिष्यत्व अभाव इसी प्रकार सृष्टि श्रुति में हमने क्या कहा था वो सृष्टिकर्ता की बोध कराने के लिए इसको अंग रूप में कहा गया सृष्टि को अंग रूप में कहा गया इसी प्रकार प्राण की सृष्टिता को बोध कराने के लिए प्राण संवाद प्रथम जो आया हुआ उसका अंग रूप में कहा गया ऐसा आप नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे देवता चेतन है उद्गम कर सकते हैं इसलिए वहाँ पे अंग तो नहीं है और अंगी है मुख्य मुख्य चीज प्रतिपादन करना चाहते हैं ऐसा बोल वाले कहते हैं अंगीकारापेक्षवाद प्राण्यम वेद में अर्थवाद की बात कुछ आया हुआ पूर्व मीमांस दर्शन में ऐसा कहा गया है कि अर्थवाद जो है विधि वाक्यों के साथ एक होकर के सार्थक होता है नहीं तो अर्थवाद का कोई मूल्य नहीं होता और वो अर्थवाद तीन प्रकार के होता है एक अर्थवाद क्या होता है मतलब अर्थवाद मतलब स्तुति जो उसकी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है इस प्रकार अग्निहीमस्य भेषजम मतलब आप जो है ठंडी की दवाई है इसको अनुवाद बोलते हैं क्योंकि ये अग्नि प्रमाण के तरह जाना जाता है ठीक है ना हमने बोला आदित्य उग्र में जो एक खंभा खड़ा करता है जिसको पकड़ करके पशु बांधते हैं जन्मान सोलह व्यक्ति घूमते भी रहते हैं ये आदित्य है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के तरह विरोध है आदित्य उग्र है बोलते हाँ यहाँ पे विरोध है कि गुण व आदर्श है विरोध होता है
वहाँ पे गुणवान माना जाता है, मतलब क्या है वो रूप को आदित्य के समान चमकीला करो, साफ करो, क्योंकि उसको पकड़ करके जो 16 व्यक्ति उसको पकड़ करके घूमते हैं कि हाथ में लकड़ी का बना हुआ है, हाथ में कुछ लकड़ी चमक छूटे ना, कहीं पर ऐसा है कि उसको कॉन्फ्रेंसेशन भी करने के लिए बोलते हैं, कहीं पर बोलते हैं इसको पकड़ करके घूमता है तो इसको बोलते हैं विरोधी में गुणवाद। और एक है वज्रहस्त पुरंदर, एक तो प्रमाण दूसरा प्रमाण के द्वारा जाना जाता है उसको बोलते हैं अनुवाद, और एक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा विरोध करते हैं उसको बोलते हैं गुणवाद, और एक होता है क्या ना किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है ना किसी प्रमाण के साथ विरोध होता है। जैसे आपने क्या कहा वज्रहस्त पुरंदर, इंद्र वज्र हाथ वाले हैं, ये दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा आप नहीं जान सकते, किसी प्रमाण के साथ विरोध भी नहीं करते। वज्रहस्त पुरंदर की आवाज है ना, ओम 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 हरि ओम ओम ओम। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तीन प्रकार की अर्थवाद होते हैं, एक हो गया उदार्थवाद, एक होता है अनुवाद, एक होता है गुणवाद, है ना। गुणवाद कब होगा यदि किसी प्रमाण के साथ विरोध होता है, अनुवाद कब होगा जब किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, और जब किसी प्रमाण के साथ विरोध भी नहीं होता किसी प्रमाण के द्वारा जाना भी नहीं जाता इसको उदार्थवाद बोलते हैं। वज्रहस्त पुरंदर मतलब क्या हो गया, ये कोई भी अर्थवाद वाक्य यदि किसी श्रुति प्रमाण के द्वारा बाधित होता है तो वो अर्थवाद वाक्य प्रामाणिक नहीं होता। कोई अर्थवाद वाक्य यदि किसी श्रुति के द्वारा विरोध करते हैं वो प्रामाणिक नहीं है, अर्थवाद मतलब स्तुति हो। यह बोलते हैं संवाद विसंवाद असत श्रुति अर्थे प्रामाण्यम अर्थवादान अर्थवादानम, असंवाद अथवा विसंवाद यदि कोई श्रुति अर्थ के साथ विरोध नहीं करता असत श्रुति अर्थ प्रामाण्य अर्थवाद तब अर्थवाद वाक्यों का प्रामाणिकता होती है। यदि अंगीकारा ये सभी वादियों ने माना अविरोध अपेक्षा एवं अर्थ मतलब किसी के साथ विरोध नहीं होने पर ही अर्थवाद अपने स्वार्थ में प्रमाण होता है, किसी के साथ विरोध नहीं होने पर ही अर्थवाद अश्व अर्थ में प्रामाण्य होते प्रामाणिक होते हैं। अविरोध अपेक्षा एवं अविरोध की अपेक्षा रख करके ही अर्थवाद प्रामाण्य अर्थवाद की प्रामाणिकता सिद्ध होता है, किसी के साथ विरोध करते अगर अलग अलग कथन हो तो प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता। इसका थोड़ा ध्यान रखना, पूर्ण सूत्र में कई जगह पर इसको आया हुआ है, इसलिए बोलता है संवाद विसंवाद हो। 5 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है संवाद विसंवाद हो यदि प्रमाण अंतर सम्मति विरोध हो, प्रमाण अंतर के साथ सम्मति में विरोध हो जाए, जो कहा दूसरी प्रमाण के द्वारा जाना जा रहा है ऐसा तो इस कथन के से विरोध होगा, जो कथन हमने किया दूसरे प्रमाण के द्वारा इसका विरोध होगा, इसलिए बोलते हैं प्रमाणांतर सम्मति, प्रमाणांतर से जो सम्मति होता है उसमें विरोध विरोध है। इस प्रकार यदि संवाद में संवाद है तो क्या होता है कि वो जब श्रुति का चेत जब श्रुति का यदि विरोध है तो प्रामाणिक नहीं होगा, और विरोध असत श्रुति अर्थ प्रामाण्य, इस प्रकार श्रुति अर्थ के साथ यदि विरोध नहीं होता है तो अर्थवाद आना प्रामाण्य अंगीकार अर्थवाद व्यापक प्रामाणिकता को अंगीकार किया जाता है। इस कारण से विरोध अपेक्षा एवं अविरोध अपेक्षा है ना, विरोध का अपेक्षा नहीं करते, जहाँ पे विरोध नहीं होता है वहीं पे कहते अर्थवाद वाक्य की प्रामाणिकता होती है, अर्थवाद वाक्य की प्रामाणिकता प्रामाण्यम। यहाँ तो परंतु यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अलग अलग सूत्र में प्राण संवाद अलग अलग प्रकार से आया हुआ है, इसे बोलते हैं यह तो परस्पर व्याहति दर्शन व्याहति परस्पर व्याहति दर्शना न प्रामाण्य विधि परिहति मतलब उपनिषदों में 6 नंबर प्राण संवादे है ना, अलग अलग उपनिषदों में जो प्राण संवाद आया हुआ है उसमें क्या दिखाई दिया कि व्याहति है ना, ये अंधकु से तीन प्रत्यय करते हति और भी विरोध अथवा दबा देना, इसलिए होता है परस्पर व्याहति
दर्शना और ध्यान देखो तो व्याहति दर्शना मतलब वैलक्षण्य दर्शना, अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की कथन किया हुआ तो आपस में विलक्षणता को दिखाई देने के कारण न प्रामाण्य स्वार्थ में प्रामाणिक नहीं है, ये स्व अर्थ में प्रामाणिक नहीं है, इसका तात्पर्य में प्रामाणिकता है। यदि परिहर के इसको मन में रखते हुए इस शंका का परिहार करते हैं, क्या शंका उठेगी उसने कि इंद्रिया में चेतन देवता है, चेतन देवता ऐसा गाना गा सकते हैं, उद्गान कर सकते हैं, इसलिए आप जो अर्थ मतलब आप यहाँ पे बोलते हैं प्राण संपर्क में तात्पर्य ये बात नहीं है, उद्गान में तात्पर्य है, ऐसा पूर्ववादी कहने पर बोलते हैं देखो वो अर्थवाद को जो श्रुति प्रमाण से विरोध नहीं होता उसको प्रामाणिक माना जाता है। ये बात को जो अलग अलग श्रुतियों ने अलग अलग प्रकार से कथन किया हुआ है, इसीलिए उस उद्गान आदि में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य प्राण सृष्टता में है ये कहना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं न शाखा भेदेशु अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणा, है ना, अलग अलग सुपरिषद में अलग अलग शाखाओं में ये जो है कि प्राण संप्राण आदि प्राण आदि इंद्रियों के बीच में जो वाद विवाद हुई थी वो अलग अलग प्रकार से सुनाई दे जाए, इस कारण से वो वाद विवाद में तात्पर्य नहीं है, प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है, वाद विवाद में तात्पर्य नहीं है, सत्य न आपका कथन सही नहीं है। शाखा भेदेशु अलग अलग उपनिषदों की शाखा वेद की शाखाओं में अन्यथा अन्यथा च अलग अलग प्रकार से प्राणादि संपाद, यहाँ पे आदि से कह रहे हैं इंद्रिय प्राण के साथ इंद्रिय है ना, इंद्रियों की जो संपाद भी थी मतलब विवाद होता अलग अलग प्रकार से सुनाई देने के कारण उसमें तात्पर्य नहीं है, विवाद में तात्पर्य नहीं है, प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है। जब यहाँ पे आगे नीचे टीका में आ जाइए प्राण आदि इति आदि शब्देन मुख्य प्राण अतिरिक्त बागादयो गृह्यन्ते, ठीक है ना, वहाँ पे जो प्राण आदि शब्द में आदि शब्द आया हुआ है उस आदि शब्दों के द्वारा प्राण आदि है भाष्य में न शाखा भेदेशु अन्यथा अन्यथा च प्राण आदि, यहाँ पे जो आदि शब्द आया हुआ है प्राण आदि इति आदि शब्द ने यहाँ पे आदि शब्दों के द्वारा मुख्य प्राण अतिरिक्त मुख्य प्राण से भिन्न जो है बाघ आदि इंद्रिय उसको भी प्राण शब्द के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि प्राण के अधीन होकर ही काम करते हैं, बाघ आदय भिन्न उसको ग्रहण किया जाता है, एकादश इंद्रियों को भी प्राण शब्द के द्वारा ही कहा जाता है, क्योंकि प्राण के अधीन होकर के काम करते हैं। उक्तम एव समाधानम व्यतिरेक मुखेन विभिन्नोति, यहाँ पे समाधान क्या दिया कि वहाँ पे आपस में अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार की श्रुतिवाद को सुनाई देने के कारण वहाँ पे विवाद आदि में तात्पर्य नहीं है, प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य, ये जो कथन करके आया इसको व्यतिरेक रूप से यदि ऐसा नहीं होता तो ये कथन नहीं होता, ऐसा करके व्यतिरेक है ना उत्तम एवं जैसा कहा उत्तम एवं समाधान अनुष्ठा को समाधान दिया व्यतिरेक मुखे ना उसको व्यतिरेक मुख से विभिन्न होती उसको विस्तार से समझा दे। यदि ही संवाद परमार्थ एवं अभूत, देखिए यदि ये प्राण संवाद पारमार्थिक सत्य हुई होती एक रूप एवं संवाद सर्व शाखा सु अश्रौषद तब एक प्रकार का ही कथा हर शाखा में सुनाई देता है, जो पारमार्थिक होता है वो हर जगह पे एक ही प्रकार के होता है, यदि घटना कोई पारमार्थिक बाजार में हुई है चाहे 10 व्यक्ति देख के आएगा तो 10 व्यक्ति एक ही शब्द बोले एक ही प्रकार बोले, आज हमने वहाँ पे देखा इस प्रकार यहाँ पे क्लाउड ब्लास्ट हुआ कितना सामान्य है प्रत्येक जो भी आप देख करते बोलते अरे कल यहाँ पे बहुत बड़ा बारिश हुआ रास्ता पानी आ गया जो हुआ उसको सर देखते ही, यदि नहीं हुआ तो आपको कुछ अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपनी तरफ से जोड़ेंगे, है ना, इसलिए वो सच नहीं होता उसके बारे में आपको पता नहीं है। यह तो परस्पर ब्याह की दर्शनात् न प्रामाण्य मिति परिहरति न शाखा भेदेश आगे प्राण आदि इति आदि शब्द ने मुख्य प्राण अतिरिक्त बाघा दिन उत्तम एव समाधान व्यतिरे मुखेन विभिन्नोति भाष्य, यदि ही संवाद परमार्थ एव अभूत यदि इस प्रकार प्राण संवाद पारमार्थिक हुई होती तब क्या होता एक रूप एव संवाद एक ही प्रकार की कथा सर्व शाखा सु अश्रु सर्व सारे शाखाओं में एक ही प्रकार की कथा सुनाई देता, परंतु विरुद्ध अनेक प्रकार अलग अलग प्रकार की विरोधी कथन रूप में सुनाई नहीं दिया होता, यानी कि एक कथा दुष्ट कथा के साथ विरोध कर रहा है, इसलिए ये पारमार्थिक कथा में तात्पर्य नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा, ये हमको मानना परंतु यदि वो पारमार्थिक हुई होती तो हर श्रुतियों में एक ही प्रकार की कहता
परमहंस जी में एक प्रकार से नहीं कथन किया गया, अलग अलग प्रकार से हेतु अलग अलग प्रकार से सुनाई देता है। इसीलिए तस्मात् न तादर्थं संवाद श्रुति न, इसीलिए संवाद श्रुति का वो विवाद कर आदि को प्रतिपादन करने में अभिप्राय नहीं है, उसमें अभिप्राय नहीं है। इस श्रुति को तात्पर्य को समझना किस किस का अभिप्राय है वो बहुत विचार पूर्वक और जो है ये अलग अलग जो न्याय पूर्व मीमांस दर्शक उसके आधार पर ही निर्णय होता है। जिस प्रकार देखिए जो अभी हम भगवद्गीता अक्षरम ब्रह्म परम जो शब्द आया है, ठीक है, तो सामान्य रूप से अक्षर शब्द के द्वारा किसको कहा जाता है, ओंकार अथवा वर्ण। परंतु यहाँ पे जो है तो ये ओंकार रूपी अक्षर ही ब्रह्म है, यही अर्थ होगा। और जिन्हें पूछा ना कि ब्रह्म, तो अब यहाँ यदि यहाँ के अक्षर और ब्रह्म भगवान जो भी ऐसा कहते हैं, यानी कि ओंकार रूपी जो अक्षर है वो ब्रह्म है, ये अर्थ होता है। परंतु यह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे अक्षरम परम ब्रह्म एक परम शब्द दिया है, तो ब्रह्म का जो निरुपाधिक श्रेष्ठ ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म को यहाँ पर समझाना चाहता है। इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ पे ओंकार नहीं होगा, न अक्षरति अस्मते इति अक्षर जो कभी क्षय नहीं करती सर। इसीलिए इस बात को कि कहाँ पे कैसा था शब्द एक उपयोग किया, उसका तात्पर्य किसमें है वो आगे किसी का बात को देख करके निर्णय करना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं परंतु ऐसा विरोध सुनाई देता है, इसीलिए इसको यहाँ पे उसी में मतलब वाद विवाद में तात्पर्य ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य हेतु तस्मात् न तादर्थं संवाद श्रुति, मतलब जो वाद विवाद सुनाई दिया उसी में संवाद श्रुति का तात्पर्य है ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, अब देखिए उपटीका में बोल रहे हैं यदि पक्षी विवद मानाना प्राणाना, किसी किसी शाखा में विवाद करते हुए इंद्रियां, यहाँ के प्राण शब्द से कह देंगे इंद्रिया, प्राण से इंद्रिया। कचित विवद मानानाम मतलब विवाद कर रहे हैं जो इंद्रियां, उन लोगों का षष्ठी बहुवचन प्राणानाम स्वयं एवं निर्णयतुम अशक्य नाम, हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है इसको लेकर के लड़ाई, हर जगह में तो लड़ाई इसी को लेकर के होता है, ये आज की बात नहीं है, शुरू से यही लड़ाई लगा हुआ मैं श्रेष्ठ मैं अच्छा, इसलिए प्रजापति पिता प्रजापति के पास चले गए सब लड़ाई करते करते हम लोग कौन श्रेष्ठ है बताओ, तो गया जस्मिन अनुत्क्रांत, प्रजापति ने क्या बोला जस्मिन उत्क्रांत शरीर पापिष्ट तरविष्ठति, जिसको इस शरीर से निकल जाने पर देखो पापिष्ठ तर शब्द प्रयोग किया, जीवित अवस्था में शरीर पापिष्ठ है, जीवित अवस्था में शरीर पापिष्ठ है, जितने सारे खराब चीजें सारा अंदर भरा हुआ, चाहे स्थूल शरीर में देखिए सूक्ष्म शरीर में देखिए, स्थूल शरीर तो 30% आदि से भरा हुआ, सूक्ष्म शरीर मांसों से भरा हुआ, ये तो गंदा ही गंदा है। इसीलिए प्रजापति स्वयं जिसने बनाया वो बोलते हैं पापिष्ट कर, ये पापिष्ट और प्राण निकल जाने पर पापिष्ट कर, जो निकल जाने पर शरीर पापिष्ट कर हो जाता है, मतलब एक क्षण के लिए भी अपनी प्रिय पत्नी भी घर में रखना पसंद नहीं करते, चलो चलो बाहर ले जाओ जला दो, थोड़ी देर रो सकते फिर बात करते हैं। यहाँ पे जो है कश्चित विवध मानाना प्राणाना स्वयं एवं निर्णय तुम अशक्य अशक्तानाम, किस जगह मतलब किसी शाखा में विवाद करते हुए इंद्रियां अपने में मैं कौन श्रेष्ठ है इसको निर्णय करने में असमर्थ जो है, तो क्या के वो लोग प्रजापति उपगताना प्रजापति ऋषि अपने पिता के पास जाकर के पूछा हम लोग में श्रेष्ठ कौन है बताइए, तो प्रजापति क्या होता है जस्मिन उत्क्रांत शरीर एकदम पापिष्ट तरफ प्रतिष्ठती, जिसको निकाल जाने पर शरीर और भी अधिक पापिष्ट तरह जैसा दिखाई पड़ता है, सर्व श्रेष्ठ भगवती और तुम लोगों में श्रेष्ठ। अब क्या करेंगे निर्णय करने के लिए एक एक करके निकालना शुरू किया, बाघ निकाल गया तो ठीक है मैं निकाल के देखता हूँ तुम लोग कैसे करते, बाघ निकाल गया एक साल जो है इधर उधर तीन चल होगा तो एक दूसरे पास है सभी के पास बात पानी जो है और पानी लड़ाई झगड़ा का कारण होते हैं, तो कोई बोलिए पूछा पाचा नहीं क्या करेंगे जो आकर के उसी शरीर में आकर के प्रवेश करूँ, तो पूछते हैं अच्छा भाई तुम लोगों ने हमारे बिना कैसे किए इतना दिन, कोई परेशानी नहीं है कान के द्वारा देखते कान के द्वारा सुनते हुए आँख के द्वारा देखते हुए और मुंह के द्वारा खाते हुए और बाकी जो है
बाकी अन्य अन्य इंग्लिश अन्य करते हैं, बोला नहीं हमने, उससे लाभ हुआ था किसी से लड़े झगड़े कहीं इंग्लिश में तो नहीं लैंग्वेज कोई काम कर पर चली गई है, काम के खतर तो खराब हुआ तो छुट्टू से अपने प्रवेश। इसी प्रकार से सारे इंद्रिया एक एक करके निकाल के गया, आँख से लिए थे भाई तुम लोग कैसे यहाँ पर, कोई बात नहीं सारा काम ही कर रहे थे तो लोग थोड़ा नहीं देख रहे थे, बाकी काम तो हो गया, अंधा भी जीता है, बहरा भी जीता है, गुंगा भी जीता है, पर जब प्राण निकालने के लिए केवल प्रयास मात्र किया सभी इंद्रिया, अरे अरे ये तो हमारे लिए खुद खाते जा रहे नो उत्क्रमी, आप उत्क्रमण मत करो, तुम्हें यहाँ कृष्ण तुम्हारे लिए हम सब अल्लाह देंगे, तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम रहो ना तुम चलेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर कथा से निर्णय हुआ, इसको देखो बोलते हैं यस्मिन उत्क्रांति शरीरम इदम वापिष्ट तरति प्रतिष्ठति सह व श्रेष्ठ भगवेति तेन उक्तानाम। इस प्रकार प्रजापति ऋषि के द्वारा इस प्रकार जो कथन हुआ गया है उन लोगों का मतलब प्राणानाम प्रवास सूर्य के उन लोगों कहीं एक एक साल के लिए घूमने गया था ऐसा सुनाई देता है, कचित तो स्वातंत्र नाम किसी के किसी जगह पर स्वतंत्र से निर्णय कर लेते हैं नहीं घूमने जा करके, तो समझ गया हर जगह पर एक कथा नहीं है, किसी जगह पर उद्गान करने के लिए बोले जस्मिन उत्क्रांति शरीरम इदम पतति स न श्रेयान इति आलक्ष्य प्रवास भविष्यति। अब क्या हुआ कि जस्मिन उत्क्रांति शरीरम इदम पतति जो निकल जाने का ये शरीर भी पड़ता है सह न श्रेयान ओ हम लोगों में न षष्ठी बहुवचन है न षष्ठी बहुवचन मे आवा नो अस्माकम न षष्ठी बहुवचन है न श्रेया नो हम लोगों में षष्ठी थी आलोच्य इस पर आलोचना करके प्रवास का परिश्रम के मतलब कहाँ पे प्रवास प्रवास किया घूमने गया कहेंगे नहीं किया, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कथा अलग अलग शब्दों में सुनाई देते हैं। और इसी जगह पे जो कचित के पुनर् वाक चक्षु श्रोत्र मनाक्षिति मुख प्राण अतिरिक्त चार सूर्य कहेंगे चार का ही सुनाई देते हैं कचित बाघा रहे अभिजीति इसके बाघा जो कोई कहेंगे आठ इंद्रिय कहेंगे नौ इंद्रिय इस प्रकार तेरह कहीं कहीं गिनाया गया है कौन से आया हुआ है ब्रह्म सूत्र में कि आपके इंद्रिय कितने हैं कहीं पे सात कहीं पे आठ कहीं पे नौ कहीं पे दस कहीं पे ग्यारह इस पर तेरह तक सुनाया गया, तो इसलिए आपका भी निर्णय करना मुश्किल होता है तो वहाँ पे निर्णय करके दिखाया एक अलश इंद्रिय पंच कहने के लिए पंच कर देंगे और एक अंत कर जो होते कचित पुनर् वाक चक्षु श्रोत्र मन चीति मुख प्राण अतिरिक्त ये चार और सुनाई देते हैं कचित को बारह गयो अभी इति एवं विरुद्ध अनेक प्रकार का संपाद श्रवण अवस्थे कहते हैं कहीं भी केवल कचित को कचित बाबादेव तुम्हें कचित बाबादेव अभी यदि इस जगह पे केवल मंत्रवाणी हिंदी सुनाई देते हैं इस प्रकार से क्योंकि अलग अलग उपनिषद में ना मुख्य रूप से जो है एकादश इंद्रियों को कहीं पर निरूपण करके कहीं पर बोलते हैं नवोदारे बोले नहीं कहीं पर एकादश दरवाजा बोलते हैं इस प्रकार से अलग अलग जगह के अलग अलग कथन है तो उसका तात्पर्य से तो ब्रह्मसूत्र को वहाँ पर निर्णय करके दिखाया इसका तात्पर्य है ब्रह्मसूत्र को मुख्य काम क्या किया कि कहीं इंद्रियों को लेकर के विवाद कहें भूतों को लेकर के विवाद कितना भूल जाएंगे तो पाँच भूति कथन है कहें तो तीन भूति कथन है नहीं तो अचानक सारा चीज रूपा कर जाएंगे सब अलग अलग सृष्टि के अलग अलग कथन है उसको निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्र किसमें काम करते हैं। यहाँ भी बोलते हैं कचित पुनर्वाक चक्षुश्रोत्र मनाक्षी मुख प्राण अतिरिक्त चक्र श्रीयंत कचित बाघा रहे अभी एम पी केवल बाघा भी तो सुनती एवं विरुद्ध अनेक प्रकार संवाद श्रवण वस्तु विरोधी अनेक प्रकार की कब कठोर कथन श्रुति में सुनाई देते हैं कि आहो किसी को मन में रखते हो हमें कहते हैं इस प्रकार अनेक प्रकार की श्रुति बात को सुनाई देते हैं श्रुति अतिरिक्त एक प्रकार के लिए प्राण संवाद एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार की सुनाई देते हैं इसलिए प्राण उसको संवाद में तात्पर्य नहीं है प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है इसको बोलते हैं श्रुति अतिरिक्त प्राण संवाद श्रुति नाम मित्र विरोधा नास्ति शास्त्र प्राणांगन इसीलिए प्राण संवाद श्रुतियों का आपस में विभिन्न कथन होने के कारण उस स्वार्थ में प्रामाणिक नहीं है, है ना नास्ति शास्त्र प्राणांगन अपनी स्व अर्थ में संवाद वाक्य शक्ति वृत्ति से जो अर्थ निकलता है उसमें वो प्रामाणिक नहीं है तात्पर्य उसका प्राण की श्रेष्ठता में है प्रामाण्य भी उपसंगत इसको मन में रखो तस्मात न तादर्थम संवाद श्रुति नाम इसलिए उस प्रकार बागादि संवाद का जो तात्पर्य जो वो बागादि संवाद लड़ाई झगड़ा में नहीं है प्राण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए जैसा कि दृष्टांत का
तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि। इस प्रकार ये प्राग संवाद में अलग अलग कथन होने के कारण तात्पर्य वहाँ पे प्राण की श्रेष्ठता के निर्णय में है। ठीक इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्य को भी अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रकार के सुनाई देते हैं। कहें तो सदैव संप्रयासी कहें तो ब्रह्म प्रयासी तस्मा आत्मा आकाश संकुत कहें भी तस्मा जायते प्राण मनुष्य वृद्धि विश्व अलग अलग प्रकार के और कहें तो जल विद्य सुखालय पूरे। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों में सृष्टि के अलग अलग प्रकार की कथन होने के कारण सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, एकत्र तात्पर्य है। इसलिए बोलते हैं तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येतव्यानि, इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्यों को भी ऐसे समझ लेना चाहिए। इसको समझे टीका का लिखते हैं उक्त दृष्टांत अनुरोधा, जो दृष्टांत दृष्टांत क्या हो गया प्राण संवाद, उक्त कहे हुए दृष्टांत के बल पर उक्त दृष्टांत अनुरोधा दिखाए गए दृष्टांत के बल पर उत्पत्ति वाक्यानामपिना विवक्षित अर्थात उत्पत्ति वाक्यों को भी उत्पत्ति में विवक्षा नहीं है, उत्पत्ति दिखान में अभिप्राय नहीं है। क्यों? देखो वहाँ पे जो अलग अलग कथन है पचित आकाशादि क्रमेण सृष्टि हाँ कहते हुए तस्मात्मा आकाश संबोध है आकाश से सृष्टि किया पचित अग्नियादि क्रमेण तेज अस्थिर तब आपको सृष्टि करने के देव से सृष्टि किया कचित प्राणादि क्रमण है तस्मात जायते प्राण मनो सर्वेन्द्रिय प्राण को दिखाया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की श्रुति वाक्य है। इसी प्रकार यहाँ पे कचित आकाशादि क्रमेण सृष्टि कचित अग्नियादि क्रमेण सृष्टि ये जैतरीय उपनिषद छांदोग्य उपनिषद भूमिक उपनिषद कचित प्राणादि क्रमेण सृष्टि कचित अक्रमेण ऐतरीय कोई क्रम नहीं है अक्रमेण अतिथि एवं परस्पर आहति दर्शना। इस प्रकार से आहति मतलब विरोध आपस में इस प्रकार पहले भी शब्द है आहति मतलब परस्पर विरोध दिखाई दे रही है कारण परस्पर आहति दर्शना इति आहुति का मन बेड़ा पूरे यहाँ पे भाष्यकार बोले तथा उत्पत्ति वाक्यानि प्रत्येक इसी प्रकार से उत्पत्ति वाक्यों को भी इसी प्रकार मतलब उत्पत्ति में सृष्टि में तात्पर्य नहीं है एकत्व बोध में तात्पर्य ये समझना चाहिए। प्रतिकल्पम सृष्टि भेदस्य इष्टत्वात् उक्त स्तुतिनाम अपि प्रतिसर्गम अन्नत्वात् व्यवस्थया अर्थवत्त्वस्य इति संकते। हाँ पूर्व वाले छोड़ने वाले नहीं है अलग अलग कल्पों में है ना अलग अलग कल्पों में अलग 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 प्रकार की सृष्टि हो सकती है। उसमें क्या क्या करते हैं अलग अलग कल्प होते हैं कल्प और अलग अलग युग अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं क्योंकि एक हमारा अवंतर प्रलय होते हैं और एक हमारा महाप्रलय होते हैं। महाप्रलय के बाद जो आपका सृष्टि होते हैं वो बोलते हैं प्रकल्प होते हैं। प्रतिकल्प सृष्टि भेद से प्रत्येक कल्प में सृष्टि के प्रकार में भेद जो है इष्टत्व अभिष्ट होने के कारण उक्त श्रुतिनाम भी इस प्रकार दिखाए गए श्रुतियों का भी प्रतिसर्गम अलग अलग सृष्टि में अन्न तत्व अलग अलग प्रकार की होने के कारण व्यवस्थाया अलग 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 व्यवस्था करते हैं अर्थवत्तम वो अर्थशाली है अर्थवत्तम से वो मतलब स्वार्थ में प्रामाणिक हो जाएगा अर्थवत्तम मतलब वो स्व अर्थ में प्रामाणिक हो जाएगा ऐसा कोई शंका करते हैं तो उनका क्या बोल रहे हैं कल्प भाषण कल्प सर्ग भेदा संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम क्या प्रतिसर्ग अन्नथत्व नीचे कल्प और सर्ग के भेद होने के कारण अलग अलग कल्पों में अलग अलग सृष्टि होने के कारण है ना वहाँ पे अलग अलग प्रकार की सृष्टि अलग अलग प्रकार की प्राण संवाद होना संभव होने से उसमें कोई विरोध नहीं है वो अपने स्वार्थ में प्रमाणिक है उसका कोई अलग तात्पर्य नहीं है। दीजिए यदि हम ऐसा कहें तो यदि हम ऐसा कहें तो ठीक है सृष्टि को इतना प्रमाण आप बताओ इस सृष्टि के ज्ञान से तुम्हारा क्या प्रयोजन शुरू होगा। आप क्या बोलो आज तक किसी महापुरुष ने कहा कि सृष्टि की ज्ञान से तुम्हें यह लाभ मिलेगा तुम निर्दिष्ट आनंद अथवा संसार दुख से मुक्त होना चाहते हो यदि यही तुम्हारी लक्ष्य है आज तक किसी महापुरुष ने कहा कोई शास्त्री ने कहा यदि तुम अत्यंत दुख निवृत्ति चाहते हो तो सृष्टि को अच्छी तरह से देखो समझो सृष्टि रवा करो सभी ने यही कहा सृष्टि करता हो अपने सभी से जाने से भगवान के ज्ञान से मुक्त हो सकते हो सृष्टि के ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकते इसलिए बोलते हैं उत्तर बोलने के लिए देखो टीका लिखते हैं प्रतिकल्पम सृष्टि स्तुति भेद से इष्टत्व शंका हो गया
है ना, उक्त श्रुति नाम अपनी प्रतिशंको मान्य तत्वा व्यवस्थया, उस व्यवस्था से अर्थवर्थ अर्थशाली हो जाएगा। इसलिए शंका के कल्प भिन्नकल्प भेदा, प्रत्येक कल्प में अलग अलग सृष्टि की भिन्नता के कारण संवर्षुति आदि प्रतिश्रुति नाम के प्रतिशंको मान्यता, प्रत्येक अलग अलग सृष्टि में अलग अलग हो सकता है। ऐसा कहे तो सिद्धि प्रामाण्य व्यवस्था कल्पते हो, यदि ये सृष्टि श्रुति प्रामाणिक होती तब तक तुम्हारे व्यवस्था को कल्पना कर, यदि व्यवस्था प्रामाणिक होती तब तक सृष्टि में मान, तब जो अवना सूत्र है सिद्धि प्रामाण्य मतलब श्रुति वाक्यों की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाने पर व्यवस्था कल्पना, उससे व्यवस्था कल्पना किया जाए। तदेव न अद्यापि सिद्धम, सृष्टि सत्य है कि नित्य है इसी को लेकर तो विवाद चलना, इसी को लेकर तो अब तक सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए यदि भेद सिद्ध हो गया होता, सृष्टि हुई होती तब तक भेद की बार बार चिंता थी, अब सृष्टि पर अभी आपको प्रामाणिक है कि नहीं इसको लेकर के विवाद चल रहा है, तब उसके लिए प्रामाणिक होती तब भेद प्रामाणिक होता, सृष्टि के लिए प्रामाणिक होती तब भेद भी प्रामाणिक होता। अभी उसी को सिद्ध करने के लिए भेद, क्योंकि भेद प्रामाणिक है कि नहीं है इसको लेकर के विवाद चल रहा है, उसको किसको सारिश कहना चाहते हैं, सृष्टि की अलग अलग वस्तु दिखाई पड़ता है, अलग अलग सृष्टि भेद प्रामाणिक है। ऐसा कहने वाले बोलते हैं सृष्टि प्रामाणिक सिद्ध करो, सृष्टि प्रमाण सिद्ध हो जाए तब तो आप कह सकते हो। इसलिए बोलते हैं सिद्ध प्रामाण्य व्यवस्था कल्पना, यदि सृष्टि में प्रामाणिकता सिद्ध होता है तब जाकर के उसकी व्यवस्था मतलब भेद व्यवस्था कल्पना के लिए। तदेव अधना अद्यापि सिद्धम, सृष्टि की मतलब सृष्टि में पारमार्थिक सत्य तो अभी तक सिद्ध हुआ ही नहीं, उत्पत्ति के भिन्न सृष्टि स्थिति के और कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं, इसलिए बोलता है न निष्प्रयोजनत्वात्, प्रयोजन से रहित होने के कारण यथक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन गति, निष्प्रयोजन मतलब कोई और प्रयोजन ये बात नहीं है, हमारे पास क्या प्रयोजन है सृष्टि का, एकत्व बुद्धि को निश्चय करने के लिए एक ही कारण से सब उत्पत्ति भी, अरे जब एक ही माता पिता से उत्पन्न होता है तब उस सब को भाई एक ही बोलते हैं, एक ही परिवार के बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही परमात्मा से जब उत्पन्न हुआ तो एक ही ब्रह्म से जब उत्पन्न से सब अभिन्न ब्रह्म ही है, ऐसे ही हमारी बात पड़ जाए निष्प्रयोजन यथत्व बुद्धि अवतार प्रयोजन, एकत्व बुद्धि अवतार के प्रयोजन के बिना बाकी भेद को प्रसिद्ध करने के लिए श्रुति के प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। बोलते हैं कि संक्षिप्त प्रामाण्य व्यवस्था कल्प के तदर्व न अद्यापि सिद्धम इति उत्तरः, न निष्प्रयोजनत्वात्। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं कि तासाम प्रयोजनवत्त्वं त्वया अपि सिद्धतम इति आशं, क्यों श्रुति के प्रयोजन तो आपने भी स्वीकार लिया वेदांति के ऊपर पूर्वमीमांसकों को, श्रुति के प्रामाणिकता तुम तो मानते हो, बिल्कुल मानते हो, मानते उसको प्रामाणिकता भेद जो भेद दिखाया उसमें नहीं है, प्रामाणिकता एकत्र नहीं मानता है, जो अंतर प्रमाणिकता नहीं जाने जाता तासाम मतलब श्रुति वाक्यानाम संपात श्रुति अथवा सृष्टि स्तुति नाम प्रयोजन वो प्रयोजनशाली है, वह भी स्वीकृत हम प्रमाण द्वारा भी स्वीकृत है, यदि आसन को यदि ऐसा कोई शंका का तो है हम मानते हैं, क्या मानते हैं यथत्व बुद्धि अवतारण प्रयोजन मतलब एकत्व बुद्धि के अवतारण करने के लिए ये सृष्टि की उपयोगी है, इतना ही हमारी मानना है। प्रयोजनम च अभावम प्रकटयति, मतलब इस प्रकार जो है इसके बिना निष्ठा किसी भी प्रयोजन का अभाव है उसका स्पष्ट करके कहते हैं, नहीं अन्य प्रयोजनवत्यम संवाद संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम स्वयं कल्पयितुम, आप जो है वो तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के बिना उस श्रुति की क्या प्रयोजन है अब अपने आप स्वयं नहीं कल्पना कर सकते, जहाँ पे ये बात को आया हुआ है वहाँ पे तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग को देखो तब आपको पता रहेगा उस स्थिति बाकी तात्पर्य किसमें है, इसलिए बोलता है नहीं अब अन्य प्रयोजन वत्यम संवाद स्तुति नाम सत्य अन्य प्रयोजन वत्यम सत्यम कल्पित हो अन्य को प्रयोजन ये वत्यम मतलब स्तुति वाक्य है ना स्तुति नाम प्रयोजन वाली ये तो कह नहीं सकते सत्य कल्पित ये तो कल्पना नहीं कर सकते, संवाद स्तुति नाम अन्य प्रयोजन वत्यम न सत्यम कल्पित हो संवाद स्तुति हो ये दूसरे विषय में इसका प्रयोजन है ऐसा तुम कल्पना नहीं कर सकते, संवाद श्रुति नाम अन्य प्रयोजनवत्व न शब्दम कल्पितम ऐसा इस प्रकार कल्पना नहीं किया जा सकता है, प्राणादि भाव प्राप्त ध्यानार्थम प्राणादि संकीर्तन विधि संकटे, आपको मन बोला कि उसका कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता,
क्योंकि जो आपको हिरण्यगर्भ तक मुक्ति मांगते हैं वो लोग प्राण को समष्टि प्राण को उपासना करके हिरण्यगर्भ लोक में जाए उसी उसको बोले मिला है। इसलिए आप कैसे कह सकते हो कि प्राण संकल्प की एकत्व बुद्धि के बिना आत्मा भी बोले मिला नहीं है, प्राण की उपासना करनी थी। ठीक बोल रहे हैं, प्राण की उपासना के द्वारा आप प्राण भाव को प्राप्त करेंगे। ये तो हम ही बोलना चाहते हैं, यानी कि प्राण की श्रेष्ठत्व दिखाएंगे तभी ना प्राण उपासना करोगे। आप अन्य इंद्रियों को छोड़ के प्राण को उपासना क्यों करोगे? क्योंकि प्राण इन सारी इंद्रियों में श्रेष्ठ पास यही सब कहना चाहते हैं। संवाद सूत्र का यही अभिप्राय है, इसलिए बोलते हैं प्राणादि भाव प्राप्त, ये प्राणादि भाव को प्राप्त करने के लिए ध्यानात्म उपासनात्म ध्यान के लिए प्राणादि संकीर्तन प्राणादियों का संकीर्तन के लिए संगते तथत्व प्रतिपत्ति ध्यानार्थम दीजिए। उस प्राण की उसको तथत्व प्रतिपत्ति आपस में विवाद इस प्रकार बोध कराने के लिए इस प्रकार चिंतन करोगे दीजिए। तो बोलते नहीं, यदि सारा चिंतन को आप वहाँ पे लाओगे ना तब क्या चिंतन करना पड़ेगा आपको? लड़ाई झगड़ा के चिंतन करते रहोगे। देवता भी आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं श्रेष्ठ ऐसे चिंतन करोगे तो आपका मन में क्या करते हो, मैं तो दूसरे से करता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो लड़ाई होती हर जगह पे। बोलते हैं कलह उत्पत्ति प्रलयनम प्रतिपत्ति अनिष्टत्वात्, लड़ाई झगड़ा अथवा सृष्टि सृष्टि स्थिति संहार इस प्रकार की बोध उत्पन्न करने से क्या हो जाएगा, वो उस प्रकार की बोध अनिष्ट के कारण होता है। ये एक न्याय है। क्या न्याय है? यथा प्रभुअस्मिन् लोके पुरुषो भवति इति प्रत्यय, जैसा जैसा चिंतन करोगे ना ऐसा भाव प्राप्त करोगे। ठीक है, आप यदि कलह का चिंतन करोगे तो कलह ही प्राप्त करोगे। आप यदि उत्पत्ति और सृष्टि स्थिति का चिंतन करोगे तो बार बार आपको उत्पत्ति करना सुना पड़ेगा। इसलिए अनिष्टता की हमारे इष्ट नहीं है, उनके जन्म मृत्यु से उठना चाहते, इसलिए बोलते हैं कलह उत्पत्ति प्रलयन प्रतिपत्ति अनिष्टता। ये कलह उत्पत्ति प्रलय इस प्रकार के बोध जो है हमारे लिए इष्ट इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है। किंतु वो बोलते हैं ये न्याय है, तब यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुते। ठीक है ना, क्या है ये श्रुति वाक्य है आपका। अच्छा ये हमको लगता है शांति को भी जनाया हुआ है, तुम यथा यथा उपासते कर, तुम जैसा जैसा चिंतन करोगे जैसा भावना करोगे ऐसे। इसलिए एक कभी अंग्रेजी बोलता है एवरी इंडिविजुअल इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए अपने आप तय करता है। कि जैसे इस समय चिंतन करता है जैसा उसको व्यवहार कर रहा है भविष्य बनता है। तुम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुते। न्याय साम्यात् कलह आदि ध्याना तत्प्राप्ति फलम चाहिए। युक्ति समान होने के कारण झगड़ा लड़ाई झगड़ा के चिंतन करोगे तो लड़ाई झगड़ा को ही प्राप्त करोगे, जो मजाक भी नहीं छोड़ते हैं ना, लड़ाई झगड़ा के चिंतन करोगे तो लड़ाई झगड़ा ही पूछा रहेगा। इसीलिए देखो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण छोटा शब्द बोला वैल्यूएबल जयराव शांति छोटा शब्द है, दंत शब्द है जयगा शांति शांति कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं लड़ाई झगड़ा करके जिंदगी की परिणति न कलह उत्पत्ति प्रतिपत्ति अनिष्ट। ठीक है, इसलिए क्या हो गया प्राण संवाद स्तुति नाम प्राण वैशिष्ट्य अवबोध अवतार्थ्य संघर्ष। प्रकार ये प्राण संघर्ष आपने बोला ना, ये बात सोचो आपने स्वयं बोला कि प्राण की उपासना के लिए प्राण भक्तों प्राप्त करने के लिए प्राण संवाद आया है। ये तो हम भी बोलते हैं कि प्राण की श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करने के लिए प्राण संवाद है, कलह को प्रतिपादन करने के लिए नहीं। ठीक इसी प्रकार जो सृष्टिकर्ता को प्रतिपादन करने के लिए सृष्टि है, सृष्टि को प्रतिपादन करने के लिए नहीं। इसलिए हम बोलते हैं प्राण संवाद स्तुति ना प्राण संवाद स्तुतियों का प्राण वैशिष्ट्य अवबोध अवतरण, प्राण की विशिष्टता को बोध कराने के लिए उसका अवतरण किया गया। इसको युक्ति के द्वारा समझा के दृष्टांतिक दृष्टांत क्या है सृष्टि वाक्य, दृष्टांत क्या प्राण संवाद, दृष्टांत संवाद प्राण संवाद दृष्टांत को सृष्टि वाक्य, दृष्टांत को उपसंहार दृष्टांत को उपसंहार करते हैं। क्या बोलते हैं तस्मात् उत्पत्ति श्रुतय आत्म एकत्व बुद्धि अवताराय एव
न अन्नथा कल्पयितुं युक्ता, इसलिए जो है उत्पत्ति श्रुति आदि है ना, तस्मात् इसलिए, क्योंकि श्रुति की तात्पर्य किसमें है उसको देखना है, श्रुति वाक्य को नहीं देखना सीधा, इसलिए उत्पत्ति आदि श्रुतय, उत्पत्ति सृष्टि स्थिति लय दिखाने वाले जो श्रुतियाँ है ना, वो क्या है, आत्म एकत्व बुद्धि अवताराय देव, मतलब समस्त जीव में एक ही आत्मा विद्यमान है, इसी को निश्चय कराने के लिए ना अन्यर्थ करते युक्त, इसका कोई भिन्न अर्थ कल्पना करना युक्ति संगत नहीं होता, ये युक्ति संगत नहीं होता, इसे बोलते हैं अभी उत्पत्ति आदि श्रुति नाम उत्पत्ति आदि परत अभावे फलितम चतुर्थ पाद अपुष्पे न स्पष्ट, उत्पत्ति आदि श्रुतियों का उत्पत्ति का बोध है नहीं, वो है ना उत्पत्ति परत्व अभाव, मतलब उत्पत्ति का बोध की अभाव सिद्ध हो जाने पर फलितम ऐसा क्या निष्कर्ष क्या निकला, जो निष्कर्ष है चतुर्थ पाद अपुष्पे न, इस श्लोक का चतुर्थ पद क्या है, नास्ति भेद कथन है ना, चतुर्थ पाद अवश्य ना, मतलब भेद पारमार्थिक नहीं है, किसी को स्पष्ट करते हैं चतुर्थ मात्रा को कहते हैं कि मतलब नास्ति उत्पत्ति आदि के भेद कथन, नास्ति भेद कथन, मतलब उत्पत्ति के निमित्त से जो भेद की प्रतीति होती है ना वो कोई पारमार्थिक नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है, एकत्व बुद्ध में तात्पर्य है ना, इसीलिए उत्पत्ति सुखी बातों में लाए गए हैं, तो नास्ति उत्पत्ति आदि कृत भेद, उत्पत्ति के कारण से जो भेद दिखाई पड़ता है वो किसी भी अवस्था में होना संभव नहीं, इस प्रकार से वेद लोग भविष्य में लेकर आदि सृष्टि या जो भी धर्म था उपाय से अवताराय नास्ति भेद कथन, वो जो अलग अलग प्रकार की सृष्टि का को दिखाई दिया वो हमारी बुद्धि में एकत्व बोध को लाने के लिए इस उपाय को सभी ने अपनाया, वास्तविक भेद नहीं है, Yeah.